एनटीओ में अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक क्लास जो हो गया था राइट, एंड अपने सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे थे अपने कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे होता है। आपको याद होगा अपने क्या बात किया था, एनटीओ में अपने को बनाना क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है फ्रॉम द गिवन रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा, उससे अपने को क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना है, वर्किंग नोट में कैपिटल निकालने के लिए। एंड एक और चीज, ओपनिंग बैलेंस शीट तो तभी बनाना है ना जब अपने को क्लोजिंग बनाने बोला है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में ना जैसे पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट दे देगा एंड सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोलेगा, तब तो अपने को बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, तब तो क्लोजिंग बनाना नहीं, क्लोजिंग नहीं बनाना है तो ओपनिंग का भी जरूरत नहीं। ओपनिंग क्यों बनाना है, जस्ट टू फाइंड आउट कैपिटल फंड, बिकॉज क्लोजिंग बनाने के लिए हमको कैपिटल फंड चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने बोला है तो वी आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर द दोनों बैलेंसेस, वो तो चलो एक बेसिक सी बात होगी। बट हम लोग क्या बात कह रहे थे इस चैप्टर के अंदर में, सबसे इंपॉर्टेंट झमेला क्या लेकर के होता है, सब्सक्रिप्शन। उसी की बात कर रहे थे, उसका हम लोग 4 इलस्ट्रेशन किए थे, आज हम लोग और आगे फर्दर टेकअप करेंगे। एक छोटा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22 का एक छोटा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे आप। इसमें 2 सब्सक्रिप्शन दिया है 60,000 एंड ब्रैकेट में लिखा है वहीं पे इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर 2021, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, बस इतना सा इंफॉर्मेशन है। आपको सोचना है इसका इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट में किसमें क्या होगा, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। लास्ट ईयर तक जितना सीखे थे एक्चुअल बेसिस एंड ऑल दोज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अक्रूड क्या करते हैं, थिंक अबाउट दिस वन। दैट्स द करेक्ट आंसर कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग को जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है, बनाने बोलेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22, उसमें क्रेडिट साइड में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन 60,000, उसमें से माइनस हो जाएगा ओपनिंग अक्रूड 5,000, क्योंकि उस 60 के अंदर में साफ लिखा है इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर 2021 कि पिछला साल 2020 कौन सा ईयर है, पिछला साल कैसे पता, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22, मतलब हमारा ये ईयर कौन सा हो गया 21-22 ना फाइनेंशियल ईयर, हाँ है ना। 31st मार्च 22 का ईयर एंड हो रहा है तो ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ था ना, तो ये हमारा 21-22 का है। अब बोला है 20-21 का ₹5,000 इस 60 के अंदर में इंक्लूडेड है, होना नहीं चाहिए, ओपनिंग अक्रूड हुआ ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में माइनस हो जाएगा ओपनिंग अक्रूड। एंड इस 5,000 का सेकेंड इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2021, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा अक्रूड सब्सक्रिप्शन 5,000। मेक सेंस एवरीवन, डबल इफेक्ट हो गया ना, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर नहीं दिया, ब्रैकेट में है, अंदर होने का मतलब वैसे होना, कहाँ अमाउंट कॉलम में, तो अमाउंट कॉलम में नहीं था ना, तो ये तो एडजस्टमेंट ही हो गया ना, ब्रैकेट में दिया है राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6, अगेन द सेम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कॉपी करोगे, कॉपी द सेम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड नाउ एड ऑन सम एडजस्टमेंट्स टू इट। सब्सक्रिप्शन अक्रूड फॉर द ईयर 2021 वॉज ₹7,000। एडजस्ट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन अक्रूड फॉर द ईयर 2021-22 वॉज
10,000. Subscription accrued for the year 2021 was 7,000. Subscription accrued for the year 21-22 was 10,000. Now think about it. Try to understand this presentation ki that kya likha hai. Subscription accrued for the year 2021 was 7,000 niche likha hai. Aur upar mein likha hai. Two subscriptions 60,000 bracket mein including 5,000 for 2021. Try to understand this here. Please, screen pe nazar rakhiye. Subscription accrued for the year 2021 was 7,000. And receipt payment account bol raha hai ki two subscriptions 60,000 bracket mein including 5,000 for 2021. Aur niche subscription accrued for the year 21-22 for the year 21-22 was 10,000. Number one, Hindi mein translate karke bolta hai pichla saal milna baki tha 7,000. पिछला साल का मिलना बाकी था 7. रिसीव पेमेंट अकाउंट ऊपर है बोल रहा है भैया पिछला साल का तो 5 ही मिला है और नंबर 2 बोल रहा है इस साल का मिलना बाकी है 10. लिसन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22 जब बनाओगे आप तो उसमें 22 सब्सक्रिप्शन देखो मैं बिना फॉर्मेट के ड्रॉ कर रहा हूँ आज आप प्लीज फॉर्मेट खराब मत करना आपको लास्ट डे बताया था ये बहुत काम आएगा 22 सब्सक्रिप्शन जो इस पेमेंट में दिया हुआ इनर कॉलम में लिख दिया 60,000 ठीक है वह नीचे क्या बोल रहा है कि लास्ट ईयर मिलना बाकी था 7 उसमें से इस साल 5 मिला है जो 5 मिला है वो इसमें इंक्लूडेड है तो पहली बात तो यहाँ माइनस हो जाएगा अब यहाँ पे माइनस ओपनिंग अक्रूड लिखने के बजाय आप खाली इतना सा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है कंफ्यूजन नहीं होगा रिसीव फॉर 2021 कितना था 5 पहली बात तो 560 में इंक्लूडेड है ये 5 पिछले साल का है इस साल का इनकम नहीं है तो इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर 5 को तो माइनस करना पड़ेगा इस 5 को यहाँ जब माइनस करें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अब एक बात आप समझिए कि पिछला साल मिलना बाकी था 7 उसमें से 5 मिला है कहने का मतलब पिछला साल का 2000 अभी भी मिलना बाकी है एट द एंड ऑफ दिस ईयर हाँ है ना अभी भी मिलना बाकी है तो बस अपने को तो दो बैलेंस शीट बनानी एक तो क्लोजिंग और एक ओपनिंग तो आप जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 22 ये तो क्लोजिंग है हाँ या ना और एक वो कौन सी बनानी है बैलेंस शीट एज ऑन 1421 तो 1421 वाली बैलेंस शीट के एसेट्स में मतलब पिछला साल की बैलेंस शीट में अक्रूड सब्सक्रिप्शन आपने कितना दिखाया होगा 7,000 लास्ट ईयर 7,000 मिलना बाकी था हाँ या ना तो उसमें तो 7 ही आएगा ना यार 7 में से 5 मिल गया 2 अभी भी बाकी है लेकिन 2 जो बाकी है वो इस साल का इनकम तो नहीं है तो इनकम एक्सपेंडिचर में वो एड नहीं होगा लेस भी तो नहीं होगा क्योंकि मिला नहीं है क्यों 7 में से कितना मिला अपने को 7 में से कितना मिला अपने को 5 लेस हो गया ना 2 क्यों लेस होगा मिला ही नहीं है तो क्यों लेस होगा 60 में थोड़ी इंक्लूडेड है वो 2 जो लेस होगा नहीं और ऐड भी नहीं होगा क्योंकि वो इस साल का इनकम नहीं है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में जरूर आएगा क्लोजिंग के एसेट्स में अक्रूड सब्सक्रिप्शन अंडरलाइन करके 2021 का 2,000 रुपया 10,000 रुपया जो इस साल का है फॉर द ईयर राइट ये भी फॉर द ईयर था ये भी फॉर द ईयर है हाँ या ना इस साल का बाकी है 10 तो इस साल का जो 10 बाकी है वो ऐड होगा हाँ या ना क्लोजिंग अक्रूड 10 बस हम लोग जब ये सब मार्किंग करते हैं बार बार स्ट्रेस देते हैं समझ जाएगा और अगेन उसमें कुछ राज का बात छिपा हुआ है इस साल का फॉर द ईयर तो इस साल का 10 तो इस साल का 10 ऐड हो गया एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में 21-22 का कितना 10 तुम्हारा अक्रूड सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट में टोटल कितना हो गया 12 समझ में आया क्या लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ फॉर द ईयर लिखा हुआ था राइट आगे भाई का इलस्ट्रेशन डेवलप करेंगे देखिएगा उसमें लैंग्वेज से फर्क पड़ता है इंग्लिश हिंदी कुछ भी उसमें लैंग्वेज से फर्क पड़ता है ना और लड़का की जगह काफ के ऊपर थोड़ा सा ये कर घुमा दें तो वजूद पे सवाल निशान आ जाता है ना सर की हो जाए तो पूरा बदल जाएगा ना पूरा सिस्टम ही सो मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में लेसन नंबर कौन सा हो गया 7 हो गया क्या अपना 7 देखते हैं इसका कौन बता सकता है सब्सक्रिप्शन अक्रूड एज ऑन 31st मार्च 21 वाज 7,000 सब्सक्रिप्शन अक्रूड एज ऑन 31st मार्च 22 वाज 10,000 सर वर्ड्स मेक द एंटायर डिफरेंस मैंने कहा लड़का और की समझ गया ना सर लड़का तो, में आ लगा तो लकड़ा हो जाएगा लकड़ा में जाना पड़ता लास्ट में एक दिन तो राइट बराबर है सर या उसमें था फॉर द ईयर एंडेड सर चलो मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ देखते हैं अगर किसी का दिमाग खुला है चलिए इस पे ध्यान दीजिएगा इस पे क्लोजिंग वाले पे बस
I just want to see, yeah, come on guys. English means to study and talk sensibly. बस एज ऑन 31st March 22 10,000 बोल रहे हैं. से हम लोगों ने क्या देखा, लास्ट ईयर अक्रूड था 7, 7 में से कितना मिल गया 5. ये 7 ओपनिंग के एसेट्स में अक्रूड सब्सक्रिप्शन आएगा. लास्ट इलस्ट्रेशन में भी आया था, इसमें भी आया, कुछ चेंजेस नहीं होगा. अक्रूड सब्सक्रिप्शन 7, 7 में से इस साल 5 मिल गए हैं. वो 5 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन से माइनस हो जाएगा. बाई सब्सक्रिप्शन 16 माइनस रिसीव फॉर 2021 कितना 5, कितना हो गया 55. लास्ट ईयर का 5 में से 2 ऑब्वियसली अभी भी बाकी हैं. सब कुछ सेम रहेगा. अक्रूड सब्सक्रिप्शन 2021 का क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया 2. If you recall, ये तो पूरा सेम है जो लास्ट समय किए हैं. हाँ ना, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है? सिर्फ एक लैंग्वेज पे कि 31st March 22 का आउटस्टैंडिंग 10 है एज ऑन, मतलब 22 वाले ईयर का नहीं है, टोटल है 10. तो जाहिर सी बात है इस 10 के अंदर में 2 वो भी इंक्लूडेड है जो पिछला साल का बाकी पड़ा अभी भी. तो पिछला साल का जो 2000 अभी भी बाकी पड़ा है, इनकम एक्सपेंडिचर वो थोड़ी ऐड होगा. इनकम एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग अक्रूड फिर ऐड कितना होना चाहिए, 8, कि 10 के अंदर 2 तो पिछला साल का है ना. कैसे पता, क्योंकि एज ऑन लिखा है. लास्ट समय क्या लिखा था, फॉर द ईयर एंड, कि 21-22 का इतना बाकी था. इसने बोला है 31st March 22 को इतना बाकी है. बॉस ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडेड होता है, बैलेंस में एज ऑन होता है. ये एज ऑन इस डेट में इतना बाकी है. तो इसके अंदर तो ऑब्वियसली पहले का कुछ भी मिलना बाकी, वो भी तो इंक्लूडेड है. पहले का कितना मिलना बाकी है, 7 थोड़ी यार, पहले का कितना मानना बाकी पड़ा, 2 ही तो बाकी है. अब कहना क्या चाहते हैं, जब पिछला साल का 2 माइनस करने के बाद हमारा इस साल एक्चुअल फिर क्लोजिंग कितना बचेगा, इस साल का क्लोजिंग अक्रूड कितना है हमारा फिर 8,000. एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में 21-22 का अक्रूड सब्सक्रिप्शन 8, टोटल हो गया 10. यही तो बता रहे थे एज ऑन 31st March 22 हमारा 10 है. 2 मिनट के लिए क्वेश्चन एंड इस इलस्ट्रेशन एंड सॉल्यूशन को देखो विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चंस. 2 मिनट के पहले इलस्ट्रेशन ये वाला है, पिछले वाले को कंपेयर करो, एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रेज योर क्वेश्चंस. अभी ना जिस तरह से सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट था ना, वैसे ही और भी कई चीजों को लेकर के है. जैसे एक्सपेंसेस को लेकर के भी कई सारे एडजस्टमेंट्स होता है, बहुत छोटा छोटा, बहुत इजी है. बट जब सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया, आई थिंक इसके बारे में आप आराम से जवाब दे सकते हो. आई लिव इट फॉर यू गाइस. छोटा सा रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट बनाओगे फॉर द ईयर एंडेड 31st December 21. इस बार छोटा सा क्रेडिट साइड चाहिएगा. क्रेडिट साइड में बाइंग सैलरी 25,000. एडिशनल इंफॉर्मेशन में 31st December 20, 31st December 21. आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, 4,000. प्रीपेड सैलरी 1,000, 1,800. सब्सक्रिप्शन का जो किए थे वो प्लीज मत देखिएगा. ऐसा नहीं कि पेजेस टर्न करके कर रहे हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया उसके बेसिस पे हम लोग चीटिंग नहीं कर रहे हैं ना, राइट? अपना जो लॉजिक सेंटेंट हुए, डोंट लुक एट कि हम लोग सब्सक्रिप्शन जो किए थे वैसा कर लेंगे. एंड एवरीवन विल हैव टू डू इट. इट्स वेरी सिमिलर टू द सब्सक्रिप्शन पार्ट एंड इट्स सिंपल थिंग. एक्रूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 सैलरी, इनर कॉलम 25,000, आउटस्टैंडिंग इस साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी है 4,000, that is closing outstanding. Add होगा, closing outstanding salary add हो जाएगा 4,000. Closing balance sheet के liabilities में आ जाएगा outstanding salary 4,000. Minus हो जाएगा उसमें से opening outstanding 3,000. Opening balance sheet के liabilities में आ जाएगा 3,000. क्यों minus कर रहे हैं? Income action में minus क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछला साल का outstanding था, last year payment नहीं हुआ था. तो जाहिर सी बात है लास्ट ईयर का पेमेंट नहीं हुआ था, इस साल पेमेंट हो गया होगा. इस साल पेमेंट हो गया मतलब क्या है, 25 के अंदर इंक्लूडेड है, बट इस साल का नहीं है. वो है तो पिछले साल का, इस साल का खर्चा तो नहीं है. तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में उसका इफेक्ट क्यों आना चाहिए? 25 में इंक्लूडेड है तो वहां से इसलिए हटाना होगा अपने को, माइनस करना होगा 3,000. नेक्स्ट प्रीपेड, प्रीपेड अब फाइनल अकाउंट जानते हुए माइनस करते हैं, तो क्लोजिंग प्रीपेड माइनस हो जाएगा 1,800. क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा प्रीपेड सैलरी 1,800. क्लोजिंग के एसेट्स में, सॉरी क्लोजिंग के एसेट्स में बोल रहा हूँ,
प्रीपेड सैलरी 1800 एंड जो ओपनिंग प्रीपेड था, प्रीपेड तो एसेट होता है मालूम ही है, कम से कम ये तो सभी को पहले अकाउंट्स किया हुआ ही है, तो प्रीपेड ओपनिंग एसेट्स में 1000 इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड होगा, क्यों? क्योंकि इस साल का है बट पिछला साल ही पे कर दिए थे, तो इस साल तो वापस पेमेंट नहीं किए हैं, पर खर्चा तो इस साल का है, तो बेस्ड अपॉन दैट लॉजिक ऐड हो जाएगा ओपनिंग प्रीपेड 1000। कितना और ऑटो कॉलम 25,200 पर प्लीज चेक प्रॉपरली।